हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अज आप इस वीडियो गल करांगे इंडियन आर्मी अग्निपथ स्कीम दे जिहड़े फॉर्म ऑनलाइन किदां फिलअप करने आ। आपां तुहानूं इह जिहड़े फॉर्म आ मोबाइल तों भर के दिखावांगे। जे आपां पोस्टां दी गल करिए, पोस्टां इत्थे तुसीं देख सकदे हो 25,000 टोटल पोस्टां निकलियां वा। अग्निवीर तुहानूं पता ही आ जिहड़ियां पोस्टां निकलियां वा 4 सालां दे लई, जिहड़ी इह हुंदी आ 4 सालां दे लई तुसीं इह जिहड़ी जॉब कर सकदे हो, गवर्नमेंट जॉब आ इह। तो उस तो बाद 11.5 लाख का तुम्हें पैकेज मिलता, जो थोड़े स 4 साल कंप्लीट हो जाते उस तो बाद 11.5 लाख रुपया मिलता वा। तो उस तो बाद आप गल करिए सैलरी की, 30,000 सैलरी रखी गई है। तो इन तुम ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं। मैं तो अज उही दसना आप जो ऑनलाइन फॉर्म कि अपलाई करने मोबाइल तो करके दिखावे। जो उस तो पहले जी डिटेल नोटिफिकेशन एक बार तुम्हें उत्ते आप झाती मार लेने, थोड़ी जी मोटा मोटा तुम्हें दस दें। जी डेट की आप जो गल करिए, स्टार्टिंग डेट हैगी 16 फरवरी 2023 आ। तो उस तो बाद जी आप गल करते हैं, ये लास्ट डेट हैगी 15 मार्च 2023। तो जोड़ा एग्जाम होना है होना वा 17/4/2023 होना वा। तो एप्लीकेशन फीस की जो गल करिए, आप जनरल कैटागरी वास्ते OBC एंड EWS वास्ते है 250 रुपए, तो SC ST वास्ते हैगी 250 रुपए। फीस थोड़ी सेम ही लगनी आ, तो जोड़ी फीस ऑनलाइन तुम पे कर सकते हो। तो उस तो बाद जो आप गल करिए एज लिमिट की, थोड़ी मिनीम एज होनी चाहिए 17.5 साल एंड आफ्टर दैट मैक्सीम एज 21 ईयरस। बाकी जो आप गल करिए एलिजिबिलिटी की, तुम इतने चैकआउट कर सकते हो। अग्निवीर जनरल ड्यूटी होगी एक, अग्निवीर टैक्नीकल होगी आ। मैक्सीम देखो तुम ये थोड़ी मैट्रिक पास होनी चाहिए आ जनरल ड्यूटी वास्ते, ठीक है। 45% थोड़े मार्क्स होने चाहिए आ, तो 33% थोड़ी ईच सब्जेक्ट तो मार्क्स होने चाहिए 10th क्लास चो, फिर तुम जनरल ड्यूटी की जी पोस्ट अपलाई कर सकते हो। तो अग्निवीर टैक्नीकल इतने देख सकते हो, प्लस टू थोड़ी पास होनी चाहिए है फिजिक्स कमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट के नाल, तो मिनीम थोड़े 50% मार्क्स होने चाहिए आ। जब आप उस तो बाद गल करिए अग्निवीर क्लर्क की स्टोर क्रीपर टैक्नीकल की, ये थोड़ी प्लस टू होनी चाहिए अपनी ये एनी स्ट्रीम के नाल आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस विद 60% थोड़ी मार्क्स होने चाहिए आ। स्ट्रीम थोड़ा कोई भी होगा चल जूगा वो। तो उस तो बाद आप गल करिए सिक्योरिंग 50% इन इंग्लिश एंड मैथ अकाउंट्स बुक कीपिंग इन क्लास 12th इज मैंडेटरी, ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी जी डिटेल अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 10th क्लास चाहिए, अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 8th क्लास चाहिए आ। तो उस तो बाद आप गल करते हैं, आ देखो तुम इतने देख सकते हो ये सारा कुछ इन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर दिता हुआ वा। 4 साल के लिए थोड़ी पोस्टिंग होनी आ, पहले साल के सॉरी पहले स्टार्टिंग जी थोड़ी होनी सैलरी 1 साल तो 30,000 देंगे, उस तो बाद 33,000 हो जूगी, तो आफ्टर दैट 36,000, तो 40,000 उस तो बाद जो थोड़े 4th साल हो जानी सैलरी है। जब मान के चलिए देखो तुम इतने सैलरी तो आज आप इतने लिखा हुआ वा 11.5 लाख रुपया, तो इन्होंने 4 सालों बाद सेवा निधि पैकेज के हिसाब से मिलना वा, ठीक है। तो उस तो बाद जब गल करिए सिलेक्शन प्रोसैस की, सर पहला तो रिटन एग्जाम होना वा, उस तो बाद फिजिकली होना वा, ट्रेड टेस्ट होना थोड़ा, उस तो बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होनी है, तो मेडिकल एग्जामीनेशन होना वा। चलो हुण आपां जी गल करिए, देखो तुसीं नोटिफिकेशन की गल करते हैं, ये सारे स्टेट्स का तुहानूं मैं लिंक प्रोवाइड करवाए हुए आ, जिहड़ा साइट का लिंक वी तुहानूं मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा। उत्थों जाके तुसीं अपने स्टेट के हिसाब के नाल PDF डाउनलोड करके उहदी वी जिहड़ी आ इनफॉर्मेशन तुसीं लै सकदे हो। इत्थे पंजाब दे लई वी तुसीं चैक कर सकदे हो, इत्थे फिरोजपुर दे लई वी जिहड़े PDF अवेलेबल हैगी आ वो तुसी डाउनलोड कर सकते हो। चलो आप गल करते हैं फॉर्म किदां अपलाई करने हैं। अपलाई करन तो पहला जिहड़े वीर अपने चैनल पर नवे आया, सब तो पहला अपने चैनल में सबसक्राइब कर लियो, नाल जिहड़ी बैल आइकोन आ रहा उसनूं जरूर क्लिक कर दिया करो, ताकि जिहड़ी भी आप नवी वीडियो लैके आने उसका जिहड़ा नोटिफिकेशन है सब तो पहला तुहाडे कोल आ सके। चलो आप करते हैं वीडियो शुरू, अपलाई लिंक ते क्लिक करांगे। बाकी तुहानूं जिहड़ा ऑफिशियल साइट का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा, तुसीं होर किते नहीं जाना हैगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन जाके लिंक ते क्लिक करके अपलाई कर सकते हो। तो इत्थे तुसीं देख सकते हो साइट थोड़ी जी स्लो चल रही है, आफ्टर दैट तुसीं इत्थे ऑफिशियल साइट आ, सारों पहला आपां कैप्चा भरना, इत्थे कैप्चा फिल करन तों बाद तुसीं इहनूं इत्थे एंटर वैबसाइट ते क्लिक कर देना वा। इनवैलिड कैप्चा कोड आ गया अपना, जिहड़ा कैप्चा कोड गलत आ गया वा, एंटर वैबसाइट पर क्लिक करांगे। उस तो बाद अपने कोल जिहड़ी ऑफिशियल साइट है ये आ जाती है,
आप मोबाइल से देखो ओपन की करके इदा आ रही है। सर ने पहले आप साइड से क्लिक करना वा, इन कर लाना डेस्कटॉप साइड से क्लिक। ये जिदा फिर पीसी से देखो दोबारा फिर इन्हें कैप्चा मंग लिया वा, क्योंकि आप जोड़ा डेस्कटॉप साइड से बाद चू किया वा, पहले ही कर लेना से। देखो इतने अपने ऑप्शन हैगी जिमें ऑन, देखो पहला आप किया ऑटोमैटिक आ गया है 7। कैप्चा फिल करने तो बाद आप इतने एंटर वैबसाइट पर क्लिक करा, उस तो बाद इतने देख सकते हो अग्निपाथ आप क्लिक करा एलिजिबिलिटी। सब पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चैक करनी है, तुम अपलाई कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। साइट थोड़ी जी स्लो चल रही है, इस करके टाइम लग रहा वा। इतने सर ने पहला तो अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना वा, तो उस तो बाद अपना जोड़ा डिस्ट्रिक्ट आ रहा तो यह डिस्ट्रिक्ट अपना सिलेक्ट कर लेना वा। आफ्टर दैट तहसील सिलेक्ट कर लेनी है, उस तो बाद अपनी हाइट सिलेक्ट कर लेनी है कि हाइट है सेंटीमीटर के, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना वा। आफ्टर दैट तुम इतने अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है, तो अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना वा, तो तुम अपीयर हो के पास की हुई है वह भी सिलेक्ट कर लेनी है। उस तो बाद जो ऑप्शन वाली आ रही है अम्बेदकर, आप फिर से तैयारी कर रहे हैं इसको जैसे भी नो कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से जो ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, नीचे आने तो बाद इतने चेक कर लोगे जो तुम एलिजिबल हो तो तुम्हें अपलाई की ऑप्शन आ जाऊगी, तो नहीं तो जो नहीं आ रही अपलाई की ऑप्शन मतलब तुम अपलाई नहीं कर सकते पोस्टा है। तो उस तो बाद जो तुम अपलाई की अपने को ऑप्शन आ गई इतों उपरों आप यूजर रजिस्ट्रेशन से क्लिक कर देना वा, तो उस तो बाद सारिया ये इंस्ट्रक्शन एक बार रीड कर लेनी है, उस तो बाद आप इतों कंटिन्यू कर देंगे। तो उस तो बाद इतने चैकआउट कर सकते हो रजिस्टर विद आधार कार्ड नंबर नाल, रजिस्टर करना वा कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दे नाल करना। सारों पहले आधार कार्ड नंबर नाल तुहानू मैं दिखा दिना वा, तो तुम अपना आधार कार्ड नंबर भरोंगे, तो उस तो बाद कैप्चा फिल करोगे, इतने अपना कैप्चा फिल करने बाद ओटीपी आऊगा, उन्होंने आप वेरीफाई कर देंगे ओटीपी। ओटीपी वेरीफाई करने बाद इतने देख सकते हो, इस तो बाद जो अपनी 10th की मार्कशीट नाल रजिस्टर करना चाहते हो तो सिलेक्ट कर लेंगे आप, उस तो बाद अपना यह बोर्ड सिलेक्ट कर लेना, रोल नंबर इतने फिल करांगे, फुल नेम अपना ईयर, उस तो बाद अपनी ईमेल आईडी ते मोबाइल नंबर आप सारा कुछ ये फिल करने तो बाद फाइंड कर देना वा। फाइंड करन दे नाल मतलब कि तुहाडा पहला तो डिजीलॉकर ते अकाउंट होना चाहिए वा, फिर ही तुहाडा सारी यह रजिस्ट्रेशन होनी है कंप्लीट। तो डिजीलॉकर से अकाउंट कितना बनाना, सर ने पहला अपना डिजीलॉकर की ऑफिशियल साइट पर आ जाना वा, तुम्हें मैं दस ही दिना कि अकाउंट जो इतने आप क्रिएट करना वा, तो इस आने बाद साइनअप कर लेंगे। साइनअप तो बाद आप इतने फुल नेम लिख देना, डेट ऑफ बर्थ एंड अपना जेंडर सिलेक्ट करने तो बाद मोबाइल नंबर एंड सिक्स डिजिट का अपना कोई पिन आप जनरेट कर लेंगे, उस तो बाद आधार कार्ड नंबर आप करके सबमिट कर देंगे, एक ओटीपी आएगा मोबाइल से उन्होंने वेरीफाई कर देंगे, तो उस तो बाद जो यह अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जे तुम डिटेल से देखना तो वास्ते मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वो तुम एक बार चैकआउट कर सकते हो। तो उस तो बाद अपने को ऑप्शन आ जाती है परसनल डिटेल के, डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना वा, तुम कितने दे रह रहे हो उतों का आप सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट आधार कार्ड नंबर आप फिल करना वा, तो उस तो बाद कैंडीडेट नेम एज गिवन एन आधार जोड़ा आधार कार्ड से नाम थोड़ा है वह आप इतने फिल करा, केयर ऑफ तुम अपने फादर का इतने नेम फिल कर देना वा, सन ऑफ केयर ऑफ एक चीज़ होंगी है केयर ऑफ ही आ रहा है, ठीक है हम सारे। उस तो बाद अपना जोड़ा फादर नेम नीचे ऑप्शन आ रही है फादर नेम की, वो आप इतने फिल कर देंगे, उस तो बाद अपनी ईमेल आई डी एड्रैस आप भर लेना, इतने मोबाइल नंबर भर लेना, उस तो बाद आप टिक कर देंगे इतने आई हेयर के हेयर वाय से क्लिक करने तो बाद कैप्चा फिल करने तो बाद आप इन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने तो बाद इतने देख सकते हो डिटेल सारी थोड़ी यही आ गई है, उस तो बाद आफ्टर दैट तुम इतने अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करने तो बाद हाइट सिलेक्ट कर लेनी है सेंटीमीटर के, उस तो बाद इतने देख सकते हो अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना जिते तुम रह रहे हो। आफ्टर दैट तुम इतने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना वा, तो आफ्टर दैट तुम इतने अपनी तहसील जी सिलेक्ट कर लेनी है, यी तहसील तुम एक बार देखो तुम लिखा हुआ वा, इतने यू कैन ओनली सिलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट तहसील वन से, एक बार तुम ये ऐड कर सकते हो, इस करके इन केयरफुली ध्यान आप ऐड करना वा कोई मिसटेक ना हो। उस तो बाद इतों आप देखो ऑप्शन आ रही है हाईएसट क्वालिफिकेशन की, सारों पहले आप हाईएसट क्वालिफिकेशन जो तुम पास कर ली है तो पास नहीं तो अपीयरिंग अपीयरिंग भी कर सकते हो। तो उस तो बाद मैट्रिकुलेशन 10th की मार्कशीट डिटेल सारी आप फिल कर लेनी है, ये स्टेट का तुम पास की आ,
तो सर्टिफिकेट तुम इतने अपना नंबर देना वा तो आर जो रिकॉर्डिंग कैंडीडेट जे तुम पहला भी पोस्ट लिए अप्लाई किया हो तो सारी जी डिटेल भरनी पैनी आर्मी नंबर कोप्स रेजीमेंट तुम जो पहला काम किया हो आर्मी के सारी डिटेल ये भरनी पैनी आ तो उस तो बाद आप इतने पासवर्ड क्रिएट करना एक पासवर्ड के देख सकते हो इतने समॉल लैटर कैपीटल लैटर नंबर सिंबल चार चीज़ें तुहाडे कोल पासवर्ड के होनी चाहिए जिदा किसी का नाम हो गया वा जसकरन जे कैपीटल हो गई उस तो बाद सारे समॉल लैटर पा के एट द रेट 123 तुसीं लिख सकते हो सेम पासवर्ड आप नीचे इतने कन्फर्म कर देना वा कैप्चा फिल करने तो बाद आप इतने नैक्सट कर देंगे तो उस तो बाद अपने को डिटेल सारी यही आ जाएगी वेरीफाई कर सकते हैं तुम इतों एडिट भी कर सकते हैं जो कुछ चेंज करना तो कर भी सकते हो आफ्टर दैट तुम इतने नीचे आ जाना वा जो तुम चेंज करना कर सकते हो तो नहीं बिल्कुल आप इतने नीचे आ जाएंगे चैक एलिजिबिलिटी का आप क्लिक करना इतने भी तुम कि पोस्ट लिए अपलाई कर सकते हो आप इतों चैक कर लेंगे चैक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे आफ्टर दैट अपने को ऑप्शन आ जाएगी जी पोस्ट लिए अपलाई कर सकते हो वह ग्रीन हो जाएगी ये पोस्टा जो तुम अपलाई कर सकते हो नीचे ऑप्शन आ रही है एप्लीकेंट नॉट ओपन क्योंकि तुहाडे लिए पोस्टा नहीं है इस करके ओपन नहीं हो सकती कंटिन्यू करा इतों आप कंटिन्यू करने तो बाद अपने को ऑप्शन आ जाती है एक फोटो अपलोड करनी है एंड अपने एक सिग्नेचर अपलोड करने हैं फोटो का साइज होना चाहिए 5 KB तो लैके 20 KB के सिग्नेचर का साइज वह 5 KB तो लैके 10 KB होना चाहिए वा ये फोटो के साइज वगैरह तुम कि सही करने हैं वो वास्ते मैं एक वीडियो अलग बनाई हुई है वह जो लिंक तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवा दूंगा ठीक है उतो जाके चैकआउट कर सकते हो साइज का किदा मेनटेन करना वा तो उस तो बाद आप इतने देख सकते हो अपना परमानेंट एड्रैस लिखना वा तो उस तो बाद अपना जो प्रेजेंट एड्रैस लिखना वा परमानेंट प्रेजेंट एड्रैस जो थोड़ा सेम आ इतने पहला सारा आप सिलेक्ट कर लें परमानेंट एड्रैस थोड़ा फिल कर लेंगे सारा आप पिन कोड वगैरह लिख के पुलिस स्टेशन जी लिख भी सकते हो पुलिस स्टेशन तुम जिहड़े ते रेड स्टार बने हुए कंपलसरी तुम फिल करनी है ऑप्शन जे थोड़ा यह परमानेंट तो पर अपना प्रेजेंट एड्रैस सेम आते इतने आप क्लिक कर देंगे क्लिक करने तो बाद जो परमानेंट एड्रैस फिल किया होगा तो ऑटोमैटिकली प्रेजेंट एड्रैस के भी शो हो जूगा तुहानू दुबारा फिल करने की लोड़ नहीं पैनी तो उस तो बाद आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू से क्लिक करा तो उस तो बाद इतने चैकआउट कर सकते हो अपने को ऑप्शन आ रही वा देखो ये तो सारिया स्पोर्ट्स जे तुम स्पोर्ट्स गेम खेडी हुई है स्टेट लैवल NCC तुहाडे कोल सर्टिफिकेट हैगा वा उन्होंने यस भी कर सकते हो नो भी कर सकते हो उस तो बाद अपने को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आ गई आ वैलिड LMB ड्राइविंग लाइसेंस जे तुहाडे कोल कार दा हैगा तो यस कर देंगे तुम नो भी कर सकते हो कोई कंपलसरी नहीं है भी होना ही चाहिए वा इन नो भी कर सकते हो उस तो बाद सेव एंड कंटिन्यू से क्लिक करा आफ्टर दैट तुम इतने क्वालीफाइंग कोर्स जो 10th की क्वालिफिकेशन आप फिल कर देनी आ जी तुम के अपना पोस्ट लिए अपलाई कर रहे हो पोस्ट 10th क्लास ही मंगी गई आ उस तो बाद बोर्ड सिलेक्ट कर लेना वा बोर्ड सिलेक्ट करने तो बाद अपना ईयर पासिंग सिलेक्ट कर लेंगे एंड रोल नंबर फिल करने तो बाद अपना सर्टिफिकेट नंबर इतने फिल करा उस तो बाद अपन उत एड कर देना वा सेव तुहाडा हो गया है ऐड सक्सैसफुली हो गया इतने तुम देख सकते हो तुहाडा ऐड हो गया वा तो उस तो बाद आपां जिहड़े सबजैक्ट आ वो सारे मैनशन करने तुहाडे किन्ने मार्क्स आए आउट ऑफ मार्क्स आप इतने फिल कर देंगे एंड ऐड न्यू रो ते आप क्लिक कर देना वा उस तो बाद अपने जिहड़े सबजैक्ट आप जिन्हें भी सबजैक्ट तुहाडे हैगे आ सारे इहदे विच मैनशन करने जिहड़े तुहाडे 10th क्लास दे विच सबजैक्ट सीगे वो सारे आप इतने मैनशन कर देने आ तो जे इस तो अलावा तुहाडे कोल कोई होर अदर सबजैक्ट हैगा वा अदर सिलेक्ट करके उहदे च आपां नाम मैनशन कर देना वा जिहड़ा तुहाडा सबजैक्ट अदर हैगा वा तो उहदी सारी डिटेल आपां इत्थे फिल कर देंगे उस तो बाद आपां कंटिन्यू ते क्लिक कर लेंगे तो उस तो बाद आपां इत्थे देख सकते तो अपने कोल एग्जाम सेंटर आ जाते हैं तुसीं पहलां सारा अपना स्टेट सिलेक्ट करना जिस तुसीं पेपर देना चाहुंदे हो तो उस तो बाद आपां सिटी सिलेक्ट कर लेनी क्योंकि इस बार पहलां पेपर होना उस तो बाद जिहड़ा तुहाडा फिजिकली टेस्ट होना वा जिहड़े पेपर चो पास हो गए उन्हां दा ही फिजिकल होना वा इस करके आपां जिहड़े सारे स्टेट आ रहे आ सिटीज़ आ रही सारे नूं एक बार सिलेक्ट कर लेना जिहड़ी जिहड़ी थोड़ी तुहानूं नज़दीक लगते आपां उह सारे सिलेक्ट कर लेंगे सारे सिलेक्ट कर लेंगे कंपलसरी आ क्योंकि रेड स्टार इन्हां सारे ते बणिया होया वा तो उस तो बाद आप इन नैक्सट कर देंगे नैक्सट करने तो बाद अपने को प्रिव्यू आ जाता फॉर्म का तो फॉर्म का प्रिव्यू आने तो बाद आप इतने सेव कर कंटिन्यू से क्लिक करने तो बाद अपने को ऑप्शन आ जाती है पेमेंट की इतों देखे तो सकते पेमेंट एक बार थोड़ी ये नॉन रिफंडेबल तो पेमेंट रिफंड नहीं होनी हैगी एक बार जो पे करती उस तो बाद आप ओके कर देंगे
ओके करने तो बाद अपने को SBI ई पे तो चला जाता वा, तुम ऑनलाइन पेमेंट इनू उ जमा कर देनी आ। पेमेंट होने तो बाद तुसी अपना जिहड़ा है फाइनल प्रिंट आउट आ कढ सकदे हो। ठीक है, एक बार दोबारा लॉगिन करांगे, लॉगिन करन तो बाद जिहड़ा तुहाडा फाइनल प्रिंट आउट आ तुहाडे सामने नज़र आ जाएगा। तुसी इहनूं डाउनलोड करके रख लेना वा फ्यूचर रैफरेंस दे लई। जदों एडमिट कार्ड आउणगे आपां उह एप्लीकेशन नंबर भर के एडमिट कार्ड डाउनलोड करांगे। सो अज आपां इस वीडियो च गल कीती आ इंडियन आर्मी दी जिहड़ी अग्निपाथ वैकेंसी आ किद्दां फॉर्म फिलअप करने आ। उम्मीद है आपां सारी इनफॉर्मेशन तुहानूं प्रोवाइड करवाती है, बाकी जे कोई इनफॉर्मेशन रह गई है तुसीं मैनूं कमेंट करके पुछ सकदे हो। सो उम्मीद है तुहानूं अपनी यह वीडियो पसंद आई होगी, जे वधिया लगी है तां अपने चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ, नाल जिहड़ी बैल आइकोन आ रहा वा उत्ते जरूर क्लिक करदा करो तां कि जिहड़ी वी आपां नवीं वीडियो लैके आउंदे आ उहदा जिहड़ा नोटिफिकेशन आ सारों नूं पहलां तुहाडे कोल आ सके।